बात उस विज्ञापन की जिसने भारत की कुल बजट से भी ज्यादा की राशि देश में निवेश करने का दावा किया है। यह विज्ञापन आज कुछ अखबारों में छपा है जिसमें दावा किया गया है कि एक कंपनी भारत में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का निवेश करेगी। अब इतने बड़े अमाउंट के निवेश का नाम सुनकर हर कोई चौंक जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये एक अज्ञात कंपनी है जिसकी हमने पड़ताल की है और पाया कि ये कंपनी ने जो पता दिया है वहां कंपनी का कोई भी दफ्तर नहीं है। आज देश के कुछ प्रमुख अखबारों के पहले पन्ने पर छपे इस विज्ञापन को देखकर लोग हैरान रह गए। जिस दौर में पूरी दुनिया आर्थिक नुकसान से जूझ रही है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट माइनस में जा रहा है, उस वक्त ये विज्ञापन 500 अरब अमेरिकी डॉलर्स यानी 36,48,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान कर रहा है। विज्ञापन में सबसे ऊपर लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक विनम्र अपील। लैंडोमस रियलिटी वेंचर्स इंक अमेरिका नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और नॉन एनआईपी प्रोजेक्ट्स में पहले चरण में 500 बिलियन डॉलर्स का निवेश करना चाहता है। लैंडोमस ग्रुप सरकार के 5 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करना चाहता है। 500 अरब अमेरिकी डॉलर्स एक बहुत बड़ी राशि है, इसीलिए ये सवाल उठने लाजमी है कि ये लैंडोमस ग्रुप कौन है जिसका नाम आज तक किसी ने नहीं सुना और अचानक से वो इतना निवेश भारत में कैसे कर रहा है। एबीपी न्यूज ने इंटरनेट पर इस कंपनी के बारे में सर्च किया तो इसका पता बेंगलुरु का मिला। कंपनी का एड्रेस एमजी रोड के पास डिकिंसन रोड में मणिपाल सेंटर का दिया गया था। हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित वहां पहुंची तो वहां ये कंपनी थी ही नहीं। इस कंपनी का जो एड्रेस है वो जो मेंशन किया गया वो यही बनशंकरी का स्टेज 2 का ये एरिया है जहां पर ये कंपनी जो है इस एड्रेस पर हम पहुंच चुके हैं और यहां पर लैंडोमस रियल्टी वेंचर्स कंपनी का एड्रेस क्योंकि यहाँ होना चाहिए था, लेकिन अगर आपको सेकंड फ्लोर की तस्वीरें दिखाएं तो बाहर से कुछ इस तरह से ये दिखाई दे रहा है जहाँ पर सदर्न वेंचर कंसल्टेंसी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो फिलहाल ये तस्वीरें हैं तो बाहर से कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा कि ये वही कंपनी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। हमने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट पर दिए गए पते पर जाकर भी पड़ताल की लेकिन वहां भी हमें ये कंपनी नहीं मिली। तो फिलहाल कोई भी ऐसी तस्वीर यहाँ पर दिखाई नहीं देती जिसे प्रूव हो सके कि ये लैंडोमस रियल्टी वेंचर्स की ऑफिस है। तो ये तस्वीरें हैं फिलहाल जो हम आपको दिखा रहे हैं। बेंगलुरु के दोनों एड्रेसेस आपको दिखा चुके हैं और दोनों ही एड्रेस पर जब एबीपी न्यूज़ पहुंचा तो ये बात साफ हो गई कि दोनों ही एड्रेस पर ये ऑफिस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। हमने कंपनी की वेबसाइट यानी landomus.com पर जाकर भी देखा। हमें ये पता करना था कि ये कंपनी आखिर करती क्या है, लेकिन इसकी वेबसाइट पर भी किसी प्रोजेक्ट की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। यशश प्रदीप कुमार डायरेक्टर के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, रक्षित गंगाधर जो है वो डायरेक्टर के तौर पर यहाँ पर दिया गया है और साथ ही एक और डायरेक्टर जो है वो गुणश्री प्रदीप कुमार। तो ये इस कंपनी के टीम मेंबर्स के कुछ फोटोज लगाए गए हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इस पूरे वेबसाइट पर अगर हम नजर डालें तो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रही। हमने और ज्यादा पड़ताल की तो जूम इन्फो नाम की वेबसाइट से पता चला कि लैंडोमस नाम की इस कंपनी के सिर्फ 19 कर्मचारी हैं और उसका राजस्व सिर्फ 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स का है। अब सवाल यह है कि जिस कंपनी के बारे में ऐसी आधी अधूरी जानकारियां मौजूद हों वो भारत में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का निवेश कैसे करेगी। ABP News, आपको रखे आगे।